पांच राज्यों में चुनाव समर शुरू होने जा रहा है। इंडिया डेली लाइव का ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आपको बता सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस पार्टी का दबदबा है और किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इंडिया डेली लाइव का ओपिनियन पोल सबसे सटीक है। इंडिया डेली लाइव ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तीन राज्यों के हजारों मतदाताओं से बातचीत करके अपना ओपिनियन पोल बनाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर क्षेत्र की। जयपुर में बीजेपी को फायदा होने वाला है। इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में जयपुर में 48 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। यहां बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। जयपुर रीजन में बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 15 से 17 सीटें मिल सकती है। यहां अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। जयपुर क्षेत्र के बाद टोंक कोटा रीजन की बात करें तो यहां 24 विधानसभा सीटें हैं। यहां भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां 12 से 14 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 7 से 11 सीटें ही आएंगी। यहां अन्य का खाता खुलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहां विधानसभा की 56 सीटें हैं। मारवाड़ क्षेत्र में बीजेपी का होल्ड नजर आ रहा है। यहां बीजेपी को 36 से 40 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बात कांग्रेस की करें तो यहां पार्टी 12 से 15 सीटों पर सिमट सकती है और अन्य के खाते में यहां एक सीट जा सकती है। क्या राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर है? इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में इस सवाल के जवाब में 52% लोगों ने कहा कि हाँ, राज्य में सत्ता विरोधी लहर है। 36% लोगों ने कहा कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। वहीं 12% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। शेखावटी और मेवाड़ में बीजेपी का दबदबा। शेखावटी रीजन में विधानसभा की 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 से 13 सीटें जा सकती है, तो वहीं पर कांग्रेस को 9 से 11 के बीच सीटें मिल सकती है। मेवाड़ क्षेत्र में 48 सीटें हैं और यहां बीजेपी के खाते में 32 से 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहां कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। अशोक गहलोत को राजस्थान में 36% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे को 23% लोग सीएम के रूप में पसंद करते हैं। सचिन पायलट भी सीएम की रेस में हैं और 17% लोग उन्हें भी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को भी 10% लोगों ने वोट दिया है और राज्यवर्धन सिंह राठौर को 7% लोगों ने सीएम चेहरा बताते हुए कहा कि वो उन्हें देखना चाहते हैं। बीजेपी को बहुमत। इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में कुल मिलाकर जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी के खाते में 118 से 132 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 55 से 66 सीटों पर समट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी दल को 101 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।